हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ सुबह 8:30 बजे से। उससे पहले थोड़ा बहुत काम था, मैंने वो निपटा लिया अपना। मम्मी ने भी थोड़ा काम किया, पूजा वगैरह कर ली। अब मम्मी काट रहे हैं पपीता। और ये ना वो था जो मैं पीछे वाले ब्लॉग में, अगर आपने वो ब्लॉग नहीं देखा होगा तो मैं उसको, मेरे चैनल पे वैसे थोड़े से ही ब्लॉग है, आप देख सकते हो। तो ये वो है ना जो मैं घर से तोड़ कर लाई थी। फिर देखो अब ये पूरा जो है ना, ये देखो पक गया ये अच्छे तरीके से देखो। और मम्मी इसको काट रहे हैं, अब हम इसको बैठ कर खाएंगे। ये सब नहा गए हैं, बस मैं ही रह गई थी। बट आज मुझे लग रहा है मेरा मूड भी नहीं है नहाने का, तो मैं नहीं नहाऊंगी। तो कल तो हम नहाए गए थे। अब ये जो इसके बीज है ना, हम सोच रहे हैं इन्हें भी कहीं बीज देंगे अब, क्योंकि ये जो पपीता है इसके बीज कहीं भी लग जा रहे हैं। एक पपीता दुकान से लिया था शायद हमने, है ना, उसके बाद इसके इतने ज़्यादा पपीते लग गए ना। इसको और जगह लगा देंगे कहीं, क्या पता लग ही जाए। लगा पर इसको बड़ा स्पेस नहीं चाहिए तो। तब छोटे छोटे बूटे लगाने में बाद लगा लेंगे। हाँ तो हेलो एवरीवन। और अभी ना 12 बज रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो गए थे धोने के लिए क्योंकि बारिश थी इतने दिन से, तो फिर कपड़े तो धो ही नहीं गए थे। तो फिर बस आज कपड़े धो रहे हैं। मम्मी कपड़े सूखने डाल रहे हैं। आज देखो धूप कितनी प्यारी लगी हुई है, बहुत अच्छी धूप लगी हुई है आज। मम्मी डाल रहे हैं कपड़े सूखने। पर ये डाल देने आपने अभी, फिर लगा देने बीज आज। फिर ना जो हमने सुबह पपीता खाया था ना, उसके हम पूरे वो जो बीज है ना उनको भी हम बीज देंगे। अगर लग गया पौधा तो ठीक है, नहीं तो देखी जाएगी। फिर डाल लो आप नहीं, अब फटाफट से। आज कपड़े इतने ज़्यादा से धोने के लिए, कल के लिए भी इतने हो जाएंगे। आज मैं कपड़े इसलिए नहीं धोंगी क्योंकि टंकी में मुझे लग रहा पानी हो गया कम, इस वजह से मैं कपड़े नहीं धोऊंगी अब बाकी के। और ना आज एक बहुत अच्छी वाली चीज़ भी, मैं अच्छी तो नहीं पर मतलब कुछ शेयर भी करूँगी, पर वो वीडियो ना मैं बाद में बनाऊँगी। आज मेरा वीडियो बनाने का मूड तो था नहीं बिल्कुल भी, पर फिर भी मैंने बोला यार चल अब कॉन्स्टेंट मैं अब डाल ही रही हूँ, ब्लॉग्स तो डालती रहती हूँ, बट फिर मैं बाद में बताऊँगी। और ये देखो आज इतना प्यारा व्यू आ रहा है ना, इतनी बढ़िया लाइटनिंग हुई है ना यहाँ पे, इतना अच्छा व्यू आ रहा है ना धूप की वजह से। काफ़ी दिनों बाद धूप लगी आज, और ऐसा लग रहा है ना जैसे दोबारा से ठंड आ गई है। डालो डालो, ये पता दो कितना ज्यादा भारी हो गया था। वो देखो वहां से डर रहे हैं कपड़े सूखने वहां पर। अब सब सोचेंगे हमारे घर में से वाइट ही कपड़े हैं क्या, हमारे घर में वाइट कपड़े नहीं है। पर बाकी अगर कलरफुल कपड़े डाल लेना तो वो साफ साफ जो है वो नहीं, वो हाँ ज़्यादा वैसे वाइट ही हैं। और कलरफुल कपड़े मैंने इसलिए नहीं धोए क्योंकि ना वो कलर लग जाता है फिर वाइट कपड़े पे साथ में, इसलिए। वाह वहाँ पर डॉगी हैं देखना, वो दिखते नहीं यार, हिलते ही नहीं, वो वहाँ सोए पड़े हैं। हैं आपको कैसे लगा बता? हाँ भौंक तो रहे थे रात को, इधर ही होगी वो कहीं, मुझे लगता है इनकी। यार ऐसा होना चाहिए, बेचारे छोटे छोटे हैं, सूख गए हो गए सारे कपड़े, देखो कितने थे धोने को। और टाइम क्या हो रहा अभी, टाइम अब वो पूरे 12 बज गए। तो अच्छा वो मैंने दाल बना दी थी आज पहले ही, मैंने ना दाल बना दी थी पहले ही। और ये अब धुल चुके हैं सारे के सारे कपड़े, देख लो। ये ना खाली करना था पर ना, डाल दो इसमें इधर। ये देखो पूरे कपड़े सूखने डल चुके हैं। और ये ना मम्मी ये लाए हैं बीज, अब इनको ना हम ये टायर थे वो गाड़ी के टायर थे हमारे के वो पुराने हो गए थे ना घिस गए, उसमें ना अब हम इसमें नहीं लगाना। हाँ तो इसमें लगाएंगे आज हम पपीते का। और ये हमारे पड़ोसियों का छोटा सा, इन्होंने भी अपना एक ना मिनी गार्डन टाइप जो है वो बना रखा है पूरा का पूरा। हवा चल रही है शायद, हवा की आवाज़ भी आ रही हो। और ये मम्मी उठा रहे हैं इनको, वो देखो आज धूप देखो। मेरे को लग रहा है ना हवा की बड़ी जोर की फड़ 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 आ रही होनी, साउंड ज्यादा आती है। ये
वहाँ है मेरा स्कूल, वो था मेरा स्कूल, इतनी दूर था। चलो अब लगाना अपना। लगाइए किस चीज से लगाओगे इसको? वो लो द्राट, उससे करो। लाऊ मैं वो? हाथ से कर दोगे? हमारे पास कुछ यहाँ पे है तो नहीं, और तो हम इससे जो है इससे खोदेंगे और इससे करेंगे। लो पकड़ो। इसको पानी चाहिए होता है ज़्यादा, तो बस अब हम ये वाला काम करेंगे और फिर नीचे जाके बनाएंगे चावल। हमने थोड़े वक्त कपड़े बचे, मैं रात जितने भी तेरे हैं दोनों कोई भी काफ़ी थे, सुबह उठते ही धो दूंगी कल। मम्मी कर रहे हैं यहाँ पर काम, भगवान जब नहीं जाओ फिर इसके फ्रूट खाएंगे हम अगले महीने से। दो साल है बड़े जो होना है इतना का पुट्टा जमना फिर लाना फिर एक वो नहीं होते जो छोटे छोटे होते हैं इन पे फ्रूट जल्दी लगने लगते हैं। उम्र तो की मेरी पूरी हो जा ले लेने छोटे छोटे नहीं लगते हैं वो, फटाफट बड़े होते हैं ना फ्रूट लगने में शुरू हो जाते हैं फटाफट। लगाओ चलो आपने। तो ये वाला चैलेंज जो है ना ये सारे बहुत पहले जो है वो खेल चुके हैं, तो आज मैंने सब मतलब बॉयज़ के साथ खेलते हैं मैक्सिमम ये वाला चैलेंज, तो मैंने सोचा मैं मम्मी के साथ करूँगी। तो अब ये एक प्रोडक्ट है ये मैं मम्मी को दिखाऊँगी और मम्मी को पता लगाना है कि प्रोडक्ट जो है वो किस काम का है। लो देखो ये था, ये ना मेरे को माइक नज़दीक रखना पड़ रहा है, हवा ज़्यादा है यहाँ पे। बोलो ये क्या है? ये पता नहीं क्या है, इसकी शेप देखो ना, पता नहीं। अच्छा ये वाला जो है ये प्रोडक्ट है और ये मम्मी को नहीं पता, ये नोज़ की शेप के लिए होता है और ये प्रोडक्ट नोज़ हाँ ऐसे ऐसे करके नोज़ शेप के लिए। ओके और नेक्स्ट प्रोडक्ट है दिस वन, ये लो ये पता नहीं क्या और ये है आपका जो फेस रिलैक्सर होता है ये वो, ऐसे आपका फेस जो है वो अच्छे से वो रिलैक्स होता है। अच्छा नेक्स्ट ये वाला, ये तो पता है क्या ये? ये सही है, रगड़ा है मुंह पर है। नाम क्या इसका? इसका नाम पता नहीं क्या है पर भाई फेशियल के बाद ऐसे ऐसे करते हैं रिंकल हटाने के लिए। फेस मसाजर है ये, है फेस मसाजर, फेस मसाजर दिस वन। वैसे मैं आपके साथ जो शेयर कर दूंगी फोटो कुछ पता है मुझे। ओके ये तो टैम्पोन है। यस ये है टैम्पो, नहीं ये नहीं है, ये नहीं, ये कप है, ये मेंस्ट्रुएशनल कप्स हैं ये। ये मुझे पता है, ये भी है कुछ ब्यूटी ब्लेंडर जैसा पर ब्यूटी ब्लेंडर नहीं है पर पता था पर मैं भूल गई भाई ये क्या है। बोलो है ये कुछ पता नहीं क्या है पर रबड़ फेस मास्क है शायद, नहीं मास्क कैसे हुआ है पता नहीं क्या है ये। ब्यूटी ब्लेंडर है ये, तो बोला था ब्यूटी ब्लेंडर है ये। आप कंफ्यूज क्यों हुए? अच्छा नेक्स्ट दिस वन, क्या बताओ क्या ये? देख बिना ये वो है क्या पलकें खड़ी करने वाला, नाम क्या है इसका? इसका नाम पता नहीं क्या होता है पर वो ये पता है मेरे को भाई, इससे पलकें होती हैं खड़ी सीधी ऊपर। आईलैश कर्लर, हाँ कर्लर होगा पता नहीं, मैंने नहीं यूज किया कभी भी, देखा भी नहीं। ओके नेक्स्ट ये नहीं, ये भी वही है क्या? वो है ये भी, इससे भी रोल करते हैं मुँह पे। क्या है ये? रेजर है ये तो? क्या है बोलो क्या है ये? चुभने वाला ये चुभते हैं इसके? बोलो ना, देखो एनालाइज करो चीज को। ये पता नहीं क्या, ये मेरे ख्याल से ये भी कोई ब्यूटी प्रोडक्ट है पर है पता नहीं क्या, कुछ फेस क्लीनर है ये, डेड स्किन सेल्स को निकालता है ये। अच्छा अच्छा हाँ इस पे ब्रश है ये। ओके ये तो प्लग करे मम्मी पहला प्रोडक्ट पहचान की फाइनली।
दूसरा एक फेस वो एक एक कप पहचान लिया था मैंने। अच्छा आज ये तो कर्लर है। कैसे? हिटलेस। और राइट, ये है हिटलेस कर्लर। ये कौन है ये क्या ये? ये है कुछ ना कुछ तो है ये। दिखाओ लगे। लो 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 क्या हुआ? मेरे बाल बड़े भूत बन रही थी मैं तो हवा से उड़ रहे हैं। ये बोली गया ये मम्मी ने। ये रेजर है? ये रेजर की साइकिल से मम्मी। तो ये कौन सी चीज है ये? ये पता नहीं क्या है, करते क्या होंगे इससे? पहली बात मैं बता दूं कि जो लोग ये सोचते हैं कि ये लड़कियों के प्रोडक्ट्स हैं तो ये लड़कियों को पता होंगे कुछ तो ऐसे। लड़कियों को पता है? मुझे भी नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है ये क्या है। क्या है ये? क्या है देखो? क्या ये जो आपके फेस के जो ब्लड सेल्स हैं उनको मतलब अच्छे सर्कुलेट करने के लिए जो है ये सर्कुलर है एक। ये कहाँ से है सर्कुलर? ये यहाँ से ऐसे। ये तो वैसे रेजर जैसा। रेजर ऐसे थोड़ी होता है, ये मम्मी को रेजर लग रहा है। हाँ भाई मम्मी। और ये तो वो है आई लाइनर और आई शेडो लगाने के लिए बने हैं। ये कुछ पता नहीं क्या बना है, लगता है भाई मेरे को ऐसे है पता नहीं क्या है। राइट ये जो है वो आई लाइनर और आई शेडो अप्लाई करने के लिए जो है ये वो है स्टिकर्स। ये तो है कुछ इसको, ये वो है जो आंखों में लगते हैं ऐसे नीचे पैचेस कुछ पता नहीं क्या पर आई मास्क। हाँ मास्क होंगे आई मास्क। ये ये कौन है? ये क्या है क्या ये पता नहीं क्या है। अगर मैं इसको देखती तो मैं इसे चूहा ये दिस वन ये पता नहीं क्या चीज है भाई, मैंने देखा इसको कभी क्या किसी को देखा यूज करते हुए भी खरीदते हुए पता नहीं क्या है ये। क्या ये तो ये मुझे भी नहीं पता ये क्या है, सॉरी इवन आई डोंट नो। अच्छा ये तो कर्लर है, ये अगेन जो है हीटलेस कर्लर है। ये तो मैं पहचाने हुए। ये फिर से वो ये कुछ ये टंग क्लीनर जैसा है पर पता नहीं क्या ये कुछ करते होंगे इससे। शक्ल भी अजीब है इसकी पता नहीं क्या ये। देखो इसको और सोचो कि इसको क्या काम हो सकता है। से माय गॉड मेरा फोन गिर गया था। इससे पता नहीं क्या होता होगा। तो इससे जो हम अपनी नाक को मतलब कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब क्या कि नाक जो है ना इससे शेप में आ जाती है। अगर आप इसको ऐसे लगाते तो कंट्रोल करने की जरूरत नहीं यार, परमानेंट नहीं, मतलब ऐसे कुछ ऐसे करके रखनी कि नाक ऐसे कंट्रोल हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। मेरी तो ऑलरेडी बहुत बड़ी नाक है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा तो अब ये हमने थोड़ा सा चैलेंज खेला और अब हम बनाएंगे लंच और फिर आपको मिलेंगे। तो अब चाय वगैरह बनाई थी और चाय वगैरह पी ली अब, और मैं थोड़ा मार्केट गई थी, मुझे थोड़ा सा काम था। काम तो क्या था, मुझे तो कुछ सामान लाना था। और अब कपड़े, अब मैं इन कपड़ों को उठाऊंगी। कुछ कपड़े ना मैंने उठा भी दिए हैं, यहाँ पे भी कुछ थे वो भी मैंने उठाए। आज मौसम देखो यार काफ़ी दिनों बाद मौसम इतना ज़्यादा। तो हे गुड इवनिंग एवरीवन, और अभी शाम के बज रहे हैं 5 और ना मैं और मम्मी आज आए हैं वॉक पे। वैसे हम पहले भी रेगुलर आते थे लेकिन कुछ टाइम से हम रेगुलर नहीं आ रहे थे, तो अब हमारे हैं रेगुलर। बहुत अच्छी हवा चली। एक्चुअली मेरे सिर दर्द कर रहा था थोड़ा, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा घूम भी आते हैं। हवा बहुत प्यारी चल रही है ना, बहुत प्यारी हवा चल रही है। देखो अब मेरी थोड़ी शाइनेस जा रही है लोगों के सामने कैमरा फेस करने की, मैं धीरे धीरे आउटडोर भी कैमरा पकड़ के चल रही हूँ। मुझे कोई देखता है पर मैं इग्नोर कर देती हूँ, उधर भी देखेंगे, देखना मेरा कॉन्फिडेंस लेवल चली रहूँगी मैं से धीरे धीरे ना, मैं अपना मतलब कॉन्फिडेंस लेवल अप कर रही हूँ ताकि मैं आउटडोर भी जो है वो कैमरा पकड़ सकूँ, कैमरा नहीं पकड़ सकूँ फ़ोन पकड़ सकूँ शूट कर लो। बहुत सुंदर फूल लगे यहाँ पे, मम्मी तो उड़ रहे हैं। राम कली क्या कण है वो, राम कली कल सपने में आई। हाँ सॉरी रात कली
सॉरी माई मिस्टेक। अब चलते हैं, अब थोड़े ज़्यादा लोग हैं आगे, तो अब हम थोड़ा कैमरे को रख देंगे साइड और मिलते हैं आपसे थोड़ी सी आगे। और हमें मिल चुका है यहाँ पर एक फूल, तभी तुम गाना गा रही थी। चलो आंटी भी आ रहे हैं आगे से धीरे धीरे। देखो अब मैं अपना प्रो लेवल दिखाऊंगी, तब चलते हैं धीरे धीरे। आंटी हमें देख रही हैं आगे से, पर मैं कैमरा नहीं रखूंगी। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते आंटी। वॉक पे आए तो थे मैं और मम्मी, लेकिन मम्मी को ना एक दादी मिल गई यहाँ पे, तो उनसे बात कर रहे हैं, वो चल रहे हैं मम्मी पीछे पीछे, मैं चल रही हूँ आगे आगे। मम्मी ने मेरे साथ वॉक ही नहीं की यार, क्योंकि और आज मुझे लग रहा है ना दोबारा से बारिश होने वाली है, क्योंकि बादल आ गए हैं। मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, बरसात आ गई क्या सीधा ही सर्दियों के बाद? पहले तो सर्दी गई नहीं और अब लग रहा है कि बरसात आ गई है। फीलिंग ही नहीं आ रही गर्मियों वाली की, गर्मियाँ जो हैं वो आ चुकी हैं। वो ना दिखाती हूँ मैं, देखना बादल पूरे आ गए दोबारा से, दोबारा बादल आ गए। तो अभी हम घूम के आए थे ना थोड़ा, तो मुझे थोड़ा भूख भी नहीं लग रही थी पर मन कर रहा था, तो अब हम बनाएंगे पॉपकॉर्न। और अब ये आप देखना जादू, और ये हमने कर दिया जादू, और जादू से हमारे पॉपकॉर्न जो है वो सारे हो गए तैयार, अच्छे से हो गए ये तैयार। अब हम इनको, और ये हो चुके हैं हमारे पॉपकॉर्न तैयार। यार प्लेट इतनी गर्म क्यों है? और ये हम लेके चलेंगे अब इनको गाय। और ये मेरा भाई गूंद रहा है आटा, वेरी गुड नाइस। मेरी हेल्प करता है बेचारा आजकल। ले पॉपकॉर्न खाने देखे, मैं घूंटे घूंटे खाऊंगा। अब रात के बज रहे 9, हम खाना वगैरह खा के फ्री हो गए थे, अब थोड़ी देर पढ़ेंगे एंड देन उसके बाद वीडियो एडिट वगैरह करके सो जाएंगे। सो होप यू लाइक द व्लॉग, और व्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। तो अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, गुड नाइट।